एवरी बॉडी लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आप लोग को एक मैं न्यूज रेसिपी देने जा रहा हूँ। आप लोग को भी क्लियर पता रहेगा बटर चिकन और बटर ग्रेवी के लिए, ये होते बटर ग्रेवी की रेसिपी, जिससे आप वेज नॉन वेज बटर चिकन हर बटर आइटम बना सकते हो। तो इस जो मैं रेसिपी जो दे रहा हूँ, मैं मेरा नाम है आप लोग को पता है चैनल पे मिस्टर सैसिक, मेरे तरफ से रेसिपी दे रहा हूँ आप लोग को, जो फिलहाल जो मैं दे रहा हूँ बटर ग्रेवी की रेसिपी। इससे देखिए, हम पहले ऑयल कड़े चालू किए हैं, अभी ऑलरेडी कड़े बनाया है, उसमें अंदर जलाए हैं, भट्टी जलाए हैं, यहाँ देखिए ऑयल डाल रहे हैं, साइन फ्लावर ऑयल डाल रहे हैं, हमारा एक अच्छा से क्योंकि ये ऑयली है। ऑयल डालने के बाद हम अभी 25 किलो टमाटर और काजू खसखस मगज ये सब चीज़ हम लोग 5 किलो ले रहे हैं, क्योंकि ये हम अभी 30-40 किलो का ग्रेवी बना रहे हैं, बल्क ग्रेवी बना रहे हैं। क्यों ना हमारा बटर चिकन बहुत पॉपुलर है, हमारे ऑर्डर में प्रकृति मल्टी में सबसे बटर चिकन के ही गेस्ट आते हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छी बहुत लाइक है, लाइक के लिए इतना लाइक पॉपुलर है चिकन चिकन हम बना रहे हैं। पहले ऑयल डालें और हम उस गर्म कर रहे हैं, अभी मैं डालने जा रहा हूँ। देखिए आपको तो बस गर्म मसाला पहले डाला गोटा वाला फ्लावर आगे, देखिए अच्छा ब्राउन हो गया बटर और ऑयल, अभी फिलहाल मैं जिंजर गार्लिक फ्लेवर डाल रहा हूँ, जिंजर गार्लिक फ्लेवर डालने से ब्राउन फ्लावर आएगा, नाइस फ्लावर आएगा और ब्यूटीफुल खाने में, हर खाना भी जो जिंजर गार्लिक फ्लेवर पड़ता है वो खाने में बहुत स्वाद भी आता है और बहुत ब्यूटीफुल लगता है और नाइस भी लगता है खाने के लिए, और खाने से दिखने भी अच्छा होना चाहिए। फिलहाल अभी मैं मछली ग्रेवी का मेन फर्स्ट इम्पोर्टेंट जो चीज है कस्तूरी मेथी डाल रहा हूँ, देखिए अभी कस्तूरी मेथी का एक फ्लावर अलग आता है, आप लोग बना के कुछ इसके स्मेल लीजिए, इतना अच्छा इसका स्मेल लगेगा और खाने में भी इतना स्वाद लगता है। चिल्ली पाउडर डालूंगा, थोड़ा सा स्पाइसी नहीं होता खाना, क्योंकि स्पाइट नहीं आएगा, खट्टा मीठा स्वीट आना चाहिए, इसलिए स्वीट डिशेज है लाइट और चिल्ली पाउडर ऑफिस की, क्यों ये आंध्र प्रदेश है साउथ इंडियन डिशेज है, इसलिए थोड़ा खाकर लोग ऐसे भी खाता है और स्वीट भी मीठा भी खाते हैं। देखिए ये हैगा किसी भी थोड़ा सा डाल रहा हूँ आम के लिए, लिहाज क्योंकि इससे दो ही मसाला डाल रहा हूँ और किसी से तीन मसाला रहेगा। अभी देखिए मसाला फ्राई हो गया है, मसाला का कलर बेहतरीन लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है, अभी देखिए काजू पेस्ट डाल रहा हूँ, इससे इसका अच्छी टेस्ट आएगा और फ्लावर अच्छा रहेगा, बट बनाने के लिए बहुत इजी टाइम पे होएगा और अच्छे तरीके से हो जाएगा। इसमें काजू है, किशमिश है, मिर्च है, गेल है, ज्यादा तरीके से बल्ब बना रहा है, क्योंकि आपको कल करेगा बहुत से बना रहे काजू बल्ब बना रहे हैं। इसके बाद उसको अभी हम थोड़ा पकाएंगे तो इसका अच्छे से फ्लावर आएगा और थोड़ा सा बहुत काजू से बोल हो जाता है, स्वाद भी आ जाएगा। अब एक बल्ब ग्रेवी बना के आप लोग अच्छे से अच्छा थोड़ा पार्टी भी यूज कर सकते हो, बल्ब से खाना भी दे सकते हो, होटल पे भी बना के यूज कर सकते हो। ये हमारा फोन के लिए बिग कॉन्टेक्ट है, देखिए अभी फिलहाल हम टमाटर डाल रहे हैं, हम टमाटर डालते हैं, देखिए इसका कलर थोड़ा सा बॉइल होने के बाद अच्छा कलर आ जाएगा। उसके बाद हमारा एक ही मसाला खूब डाले हुए अभी आप दिखा देता हूँ आपके लिए, मस्त कलर शुगर डालो, स्वीट डालेंगे थोड़ा सा बटर ग्रेवी शुगर आता है तो अच्छा कलर देगा और अच्छा शाइनिंग आएगा और खाने में तो बहुत अच्छे से अच्छे स्वाद होंगे। इसके ऊपर अभी मैं डाल रहा हूँ थाईलैंड में मसाला आइटम डाल रहा हूँ ग्रीन इलायची पाउडर,
इससे क्या है ना, बटर चिकन और बटर पूरी खाने को और स्वाद आएगा, पूरा लवली आएगा, ब्यूटीफुल फूड आएगा। और खा कर खाना फिर आप देखिए घर में प्लस कुछ रेस्टोरेंट खा के आप लोग देखिए कैसा तरीका प्रोडक्शन आता है। फिर अगर आप खा कर पूरा आप लोग बना सकते हो, अच्छे से अच्छा खाना बना के घर पर फैमिली खुश कर सकते हो। हर माँ और बहन हो आप लोग घर पे भी बना के अपने फैमिली के परिवार को खाना खिला के खुश कर सकते हो। देखिए मैं हनी डाल रहा हूँ, क्यों हनी से क्या है, हनी का फ्लेवर बहुत नाइस आता है। देखिए हर से पूरा आपको रिसिप्ट साफ नहीं कर रहे हैं, मैं इसलिए कर रहा हूँ आपको कुछ जानकारी होना चाहिए हर फूड में क्या क्या इस्तेमाल करा जाता है। हम सेफ हैं, हमको बताना हर से आप लोग को अच्छे से अच्छा बताना से आप लोग अच्छे से हेल्दी फूड खाएंगे और अपने परिवार के अंदर आप लोग सब खुश रहेंगे और अच्छा से अच्छा अपनों का परिवार भी खाने खुश रहेंगे। हमारे घर में कितना अच्छा खाना बना सकते हैं।